नाइन्थ मैथ का आजकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं प्रश्नावली 2.4 को आज अध्ययन करेंगे। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखिए कहता है प्रश्न एक से, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड एक्स प्लस एक है। वही बात अपनाएंगे। मैं आपको बता दूं, जब x प्लस वन कहता है तो x प्लस वन बराबर जीरो मान लेंगे, x बराबर माइनस वन आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन चार दिया गया है इसमें सब में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ माइनस एक रखेंगे। अगर माइनस एक रखने पर जिसका मान जीरो आ जाएगा हम कह सकते हैं कि वह शून्यक है, और जिसका मान जीरो नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। देखिए क्वेश्चन एक से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक आप देख भी रहे हैं यहाँ पर कि पी एक्स बराबर, मान लेंगे पी एक्स बराबर एक्स पर तीन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और पी एक्स में एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर आप देखिए प्लस वन है इधर जाएगा माइनस वन रखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है माइनस वन रखेंगे। तो पी माइनस वन, यहाँ एक्स है तो माइनस वन के ऊपर तीन, प्लस माइनस वन के ऊपर दो, प्लस माइनस वन प्लस एक, माइनस एक के ऊपर तीन है तो माइनस एक, क्योंकि अगर उसके ऊपर विषम घात है तो माइनस के साथ, सम घात है तो प्लस के साथ, फिर माइनस एक, फिर प्लस एक, प्लस से माइनस, प्लस से पूरा कैंसिल, जीरो आ गया। जब जीरो आ गया तो गुणखंड प्रमेय से एक्स प्लस एक पी एक्स का एक गुणखंड है, क्योंकि इसका मान क्या आया, जीरो आया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर दो का पास में चलते हैं। दो नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कहता है इसमें कि पी एक्स बराबर एक्स पर चार प्लस एक्स पर तीन प्लस एक्स पर दो प्लस एक्स प्लस एक। हमें यहाँ भी पी एक्स में एक्स प्लस एक बराबर जीरो लेंगे तो प्लस एक इधर जाएगा, तो एक्स बराबर माइनस एक, जहाँ जहाँ एक से माइनस एक रखेंगे। तो पी माइनस एक, माइनस एक को ऊपर चार, माइनस एक को ऊपर तीन, माइनस एक को ऊपर दो, माइनस एक प्लस एक। तो माइनस एक के ऊपर भाई बार करेंगे तो प्लस एक, ये भाई विषम है तो माइनस एक, और ये सम है तो फिर प्लस एक, फिर माइनस एक, फिर प्लस एक, तो प्लस है तो माइनस कैंसिल, प्लस है माइनस, लेकिन एक आपका एक बच गया, देख रहे हैं जीरो के बराबर नहीं आया, अतः गुणखंड पर में से एक्स प्लस वन पी एक्स का एक गुणखंड नहीं है, कह सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थ्री में रखते हैं पी एक्स बराबर एक्स पर चार प्लस तीन एक्स इस पर तीन प्लस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक। पी एक्स में फिर एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस वन रखने पर, तो पी जहाँ जहाँ एक्स है ना, अरे भाई एक्स प्लस वन दिया है ना, तो एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। फिर इसी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एक्स है माइनस एक रखेंगे, तो रखते हैं देखिए माइनस एक यहाँ पर रखाया, तो फिर माइनस एक को ऊपर चार प्लस तीन माइनस एक को ऊपर तीन प्लस तीन माइनस एक को ऊपर दो प्लस माइनस एक प्लस, माइनस एक को ऊपर चार का मतलब एक, तीन ये माइनस तीन, माइनस एक को ऊपर तीन तो माइनस एक, प्लस तीन ये प्लस एक, माइनस एक प्लस एक, एक माइनस तीन प्लस तीन माइनस एक, एक एक से एक कैंसिल, तीन से तीन, फिर आपका एक बच गया, जीरो आया नहीं, एक जब आ गया तो लिख सकता है गुणखंड प्रमेय से एक्स प्लस वन पी एक्स का गुणखंड नहीं है। जीरो आएगा तभी गुणखंड है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन नंबर चार भी हम लोग देख लेते हैं। चार जो है कहता है कि पी एक्स बराबर एक्स पर तीन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दो प्लस करने में दो एक्स प्लस करने में दो। यहाँ भी वही बात होगी, पी एक्स में एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या होगा, माइनस वन, जहाँ जहाँ एक्स होगा माइनस वन रखेंगे। पी माइनस वन, माइनस वन को ऊपर तीन, माइनस वन को ऊपर दो, माइनस दो प्लस करने में दो, एक्स के ऊपर माइनस एक, प्लस करने में दो, माइनस एक को ऊपर तीन है तो माइनस एक, ये प्लस एक, ये दो प्लस करने में दो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा करने में दो। उसके बाद से आप जरा देखिए, उसके बाद से पूरा हल करेंगे, माइनस एक माइनस एक माइनस दो, दो पहले से करने में दो, ये तो कट जाएगा लेकिन दोनों जुट जाएगा, जीरो नहीं आया, अतः आप लिख देंगे, अतः गुणखंड प्रमेय से एक्स प्लस एक पी एक्स का गुणखंड नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जीरो आ जाएगा तो गुणखंड है, जीरो नहीं आएगा तो गुणखंड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा कहता है गुणखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से
प्रत्येक स्थिति में क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। अगर जीरो आ गया भाग देने पर तो आप कहेंगे कि गुणनखंड है, और अगर जीरो नहीं आया तो आप कहेंगे गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो ए कहता है पी एक्स बराबर दो एक्स पर तीन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स और माइनस एक है, और क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस एक है। जरा देखिए पी एक्स बराबर जो मान दिया उसको ऐसे ही लिखे। दिया क्या है एक्स प्लस वन, ये देखिए तो एक्स प्लस वन बराबर जीरो, प्लस वन की इधर करोगे तो एक्स बराबर माइनस एक, जहाँ जहाँ एक से माइनस एक रखेंगे, माइनस एक दो, माइनस एक ऊपर तीन प्लस माइनस एक ऊपर दो माइनस दो माइनस एक माइनस एक दो माइनस एक प्लस एक, और गुणा करेंगे माइनस दो माइनस एक माइनस दो प्लस एक दो। जहाँ देखिए दो से माइनस दो कैंसिल हो जाएगा, नीचे आते हैं आप जहाँ देखिए दो से माइनस दो कैंसिल, प्लस एक से माइनस एक कैंसिल जीरो, तो अतः क्यू एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि इसका मान जीरो आ चुका है। तो इस तरीके से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जा देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें का दो है, कहता है कि पी एक्स बराबर एक्स पर तीन प्लस तीन एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस वन, तो क्यू एक्स बराबर पी एक्स है ना, क्यू एक्स का है एक्स प्लस दो बराबर जीरो, तो प्लस दो इधर आएगा तो माइनस दो, जहाँ जहाँ एक्स है माइनस दो रखेंगे, पी माइनस दो रखिए तो एक्स है तो माइनस दो के ऊपर तीन प्लस तीन, फिर एक्स है पर माइनस दो के ऊपर दो प्लस तीन, जहाँ एक्स है माइनस दो प्लस एक, माइनस दो के ऊपर तीन का मतलब माइनस साठ, फिर आपके तीन माइनस दो का वर्ग करेंगे चार, माइनस छः प्लस एक माइनस साठ, चार तीन बारह माइनस छः एक आठ, और छः माइनस चौदह और बारह और एक तेरह, माइनस चौदह माइनस तेरह जाएगा माइनस एक, जीरो का बराबर तो आया नहीं, अतः लिखा जाए क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है क्योंकि इसका मान जीरो नहीं आया। अच्छा तीन नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। पी एक्स बराबर एक्स पर तीन माइनस चार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस छः, तो क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस तीन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर तीन, तो अब जहाँ जहाँ एक्स तीन रखेंगे तो पी यहाँ पर तीन, तीन को पर तीन माइनस चार, तीन को पर दो प्लस एक्स का पर तीन प्लस छः, तीन को पर तीन का मतलब सत्ताईस, तीन बार लिखेंगे ना, तीन गुणा तीन सत्ताईस, ये तीन को पर दो करेंगे नौ, और नौ से गुणा चार में करेंगे छत्तीस, ये तीन ये छः वैसे ही, जहाँ देखिए सत्ताईस और तीन तीस और छः छत्तीस, माइनस छत्तीस प्लस छत्तीस ये जीरो, जब जीरो आ गया तो लिख सकते हैं क्यू एक्स पी एक्स का गुणखंड है। जीरो आ गया ना तो गुणखंड है, अगर जीरो नहीं आएगा तो हम लोग कह देंगे गुणखंड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री के पास अब हम लोग चलते हैं। कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन आपका देखिए दिया गया, इसमें चार क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन जो आपका एक है, आप सबसे पहले पी एक्स बराबर जो दिया गया एक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के मान लेंगे, और अब जरा देखिए जो क्वेश्चन दिया है एक्स माइनस एक है, तो जब एक्स माइनस एक बराबर आप जीरो लेंगे तो एक्स अब क्या हो जाएगा एक, ठीक है, तो वही लिखा गया है ना पी एक, यानी जो आप यहाँ पर पी एक्स माने तो भाई एक एक्स के ऊपर एक रख देते हैं, पी एक बराबर जीरो, अब जहाँ जहाँ एक से तहाँ तक एक, तो एक का स्क्वायर प्लस एक प्लस के एक्स का है ना, तो एक रखेंगे एक का स्क्वायर, यहाँ भी एक से तो एक, यहाँ पर के है तो के बराबर जीरो, तो एक 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 प्लस एक प्लस के एक एक दो के बराबर माइनस दो, तो आप लिख सकते हैं के का मान कितना आ गया माइनस दो आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो आपका आने वाला है वह है सेकेंड नंबर। सेकेंड कहता है ना फिर एक्स माइनस एक है पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो आप फिर एक्स माइनस एक बराबर जीरो तो एक्स बराबर एक आ जाएगा, पी एक बराबर जीरो हो जाएगा। सवाल तो यही है ना, देखिए दो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस करने में जहाँ जहाँ एक्स होता हो तो दो एक के ऊपर दो प्लस के एक प्लस करने में दो बराबर जीरो, दो को स्क्वायर दो प्लस के प्लस करने में दो, तो के बराबर दो इधर जाएगा माइनस, यह भी होगा माइनस, माइनस का मतलब के बराबर दो करने में दो आ जाएगा। ओके अच्छा अब क्वेश्चन नंबर जो है ना थ्री नंबर ये कहता है कि यदि एक्स माइनस एक पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस करने में दो एक्स प्लस एक का एक गुणनखंड है, तो आप एक्स बराबर क्या लिखेंगे, तो पी एक बराबर जीरो जहाँ जहाँ एक से तहाँ तहाँ एक रखें, देखते हैं हम लोग रख करके यहाँ पर आइए, तो जहाँ जहाँ एक से एक रखेंगे, के एक के ऊपर दो माइनस करने में दो एक प्लस एक बराबर जीरो,
तो ये अरे भाई एक के ऊपर दो है तो खाली एक होगा, एक गुणा के में करेंगे के, ये कलनी में दो प्लस एक बराबर जीरो, एक के बराबर ये प्लस करने में दो, ये माइनस करने में दो, तो के बराबर करने में दो माइनस एक, यानी आप लिख सकते हैं कि के का मान ये निकालेंगे। चार नंबर है एक्स माइनस एक अगर गुणखंड है तो पी एक्स बराबर सवाल जो दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस के बराबर जीरो, आपको कुछ करना थोड़े है, एक्स बराबर एक, अरे भाई एक्स माइनस एक बराबर जीरो लेंगे, पचहत्तर करेंगे तो एक, जहाँ जहाँ एक से तहाँ तहाँ एक रखेंगे, पी पी एक बराबर जीरो, तो यहाँ पर के वैसे ही जहाँ एक से एक के ऊपर दो माइनस तीन एक प्लस के बराबर जीरो, तो के ऊपर दो के ये तीन के और के जोड़ेंगे दो के इधर जाएगा तीन, तो के बराबर तीन बटा दो, के बराबर तीन बटा दो आ जाए। अच्छा अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चार के पास चलते हैं, कहता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है बारह एक्स पर दो माइनस सात एक्स प्लस एक, ये करना है यानी आपको गुणनखंड करना है, बहुत सिंपल है, एक्स का मान ही निकालना, इसको गुणनखंड कर देना। जरा देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर एक है बारह एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस एक है, हमें ऐसे तोड़ना है, ये देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद, हमेशा दूसरा पद को ही तोड़ना होता है, ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर दूसरा पद आ जाए, दो अंक में तोड़ेंगे हम लोग, और ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर वह आ जाए, लेकिन गुणा करने पर बारह आ जाए। दर्द की आप इसको चार और तीन में तोड़िए, चार और तीन जोड़ेंगे ना तो सात आ जाएगा, चार में तीन से गुणा करेंगे चार तीन बारह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ओके तोड़ दिया गया, और पहला पद और तीसरा पद चौथा पद जो पहला तीसरा था वैसे ही था, आप यहाँ से देखिए बारह एक्स स्क्वायर है चार एक्स है, तो यहाँ से आप चार एक्स का मान लीजिए क्योंकि ये भी चार से भाग चला जाएगा, तो चार से भाग बारह में देंगे तीन, एक्स स्क्वायर कट गया एक्स, चार एक्स है चार एक्स पूरा कट गया एक, यहाँ से क्या काम लेंगे तीन एक्स है एक है तो माइनस एक, तो ये तीन एक्स माइनस और प्लस माइनस एक सेम आना चाहिए, जो बात यहाँ पर आया वो बात यहाँ पर आया, समझ गए। अब इन दोनों में से कामन लेंगे तो तीन एक्स माइनस एक कामन ले लिए तो बचेगा, कह देखिए कामन ले लिए, चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए बात वही होगी, तो यहाँ तो चार एक्स है तो वह लिख देंगे माइनस एक, और जो कामन लिया उसको मैंने लिख दिया, गुणखंड आ चुका है, यही आपका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो आपका दो है, दो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, दो में दो एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस तीन, अब जरा देखिए दो से गुणा तीन में करेंगे छः हो जाएगा, ऐसा तो ना है कि जोड़ने पर सात आ जाए गुणा करने पर छः, तो दो एक्स स्क्वायर छः एक्स प्लस एक्स में तोड़ के छः और एक जोड़ेंगे तो सात हो जाएगा प्लस तीन, दो एक्स है छः एक्स है, दो एक्स काम लेंगे तो दो से दो कट गया और एक्स स्क्वायर केवल एक्स बचेगा, और दो एक्स है छः एक्स तीन बार में प्लस एक काम लेंगे एक्स प्लस तीन, तो अब दोनों में से एक्स प्लस तीन काम ले लेंगे तो दो एक्स प्लस एक बचेगा, तो एक्स प्लस तीन और दो एक्स प्लस एक, ये आंसर आप इसमें फिर गुणा करेंगे ना तो इतना आ जाएगा, ये बात है। अच्छा अब आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है छः एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स माइनस छः है, आपको छचा के छत्तीस पहले इसमें गुणा कर देंगे पहला और तीसरा में छत्तीस, कैसे तोड़ना है आपको नौ और चार में, नौ में चार जाएगा फायदा होगा पाँच आ जाएगा, और नौ में जब चार से गुणा करेंगे तो छत्तीस आ जाएगा, तो तोड़ दिया गया छः एक्स स्क्वायर प्लस नौ एक्स माइनस चार एक्स माइनस छः, और यहाँ से छः एक्स है नौ एक्स है तीन एक्स का मान तीन से छः दो बार में एक्स स्क्वायर केवल एक्स, तीन एक्स नौ एक्स तीन बार में माइनस दो कामन ले लेंगे, दो से चार दो एक्स प्लस तीन, दोनों में से एक दो एक्स प्लस तीन, तीन एक्स माइनस दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक आपका है तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस चार, तीन से गुणा चार में करेंगे बारह, ऐसा तुलना की गुणा करने को बारह आ जाए घटाने भी इतना, तो तीन एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस तीन एक्स माइनस चार, तीन एक्स है चार एक्स है सिर्फ एक्स कामन ले सकते हैं, एक्स कामन ले लिए तो तीन बचेगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स ये खाली चार एक्स निकल गया, एक काम लेंगे तो तीन एक्स माइनस चार, इन दोनों में से एक लिखेंगे तीन एक्स माइनस चार, और जो दूसरा होगा उसमें एक्स प्लस एक लिख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है वह क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है, तो अब हम लोग फाइव के पास लगाएंगे, चलिए